हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। मेरा नाम धीरेंद्र है और आज की शुरुआत हो रही है सुबह की 7:30 बजे से। सुबह के 7:30 बजे मेरी सीसेट की पहली क्लास स्टार्ट होती है, तो उसके लिए मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ एकदम तैयार होके। और अभी मैं जस्ट 5 मिनट में दृष्टि पहुँच जाऊँगा, तो आगे चलते हैं। आप देख सकते हो गाइस, सुबह का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के लिए जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स साथ में छोड़ने जाते हैं। कितना अच्छा रहता है, पहले बचपन में हम लोग भी जाते थे, बट हम लोग के साथ ऐसा नहीं था क्योंकि हम लोग ना सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ सीन था नहीं। हम लोग खुद से ना तो ड्रेस का सीन होता था ना तो कुछ भी, हम लोग खुद से ऐसे ही चल देते थे तैयार होके। खुद से तैयार होना, मम्मी तैयार करती थी बट ड्रेस वगैरह कुछ होती नहीं थी। सी सेट की क्लास का एक सीन है कि वो सबसे आखिरी में ग्राउंड फ्लोर पर लगती है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा आज कि कितनी बड़ी क्लास है वो। गाइस, सी सेट की क्लास छूट चुकी है और अभी इसके बाद हिंदी की क्लास लगती है, बट मैं हिंदी की क्लास आज ऑफलाइन नहीं लेने वाला हूँ बिकॉज मेरे को ना नींद भी आ रही है एंड बॉडी पेन हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं जाके ना क्लासरूम से सीधा रूम जाऊँगा और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। उसके बाद ना मैं ऑनलाइन क्लास करूँगा हिंदी की, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाऊँगा इसके बाद, क्योंकि क्लास पे रहूँगा तो 11:30 से क्लास स्टार्ट होती है, उसकी वजह से मैं रेस्ट भी नहीं कर पाता हूँ। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा रूम पे जाके रेस्ट करूँगा, उसके बाद 11:30 बजे से मैं हिंदी की क्लास स्टार्ट करूँगा, तो 2 बजे ख़त्म होती है वो। जब भी 2 बजे ख़त्म होगी तो फिर मुझे खाना खाने आना पड़ेगा, और खाना खा के जैसे ही मैं इधर से आऊँगा तो फिर 3 बजे से इंटरनेशनल रिलेशनशिप की क्लास चालू हो जाती है, तो उसको अटेंड करना होता है। फिर शाम को 6:30 बजे से क्लास होती है ज्योग्राफी की, करना होता है, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है दिन भर का, बिकॉज इस टाइम पे मैं 4 क्लासेस कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप देख सकते हैं इधर, थोड़ा सा मैं आपको पीछे का लुक दिखा दूँ, ये वर्धमान मॉल पूरा, और ये यहाँ से आगे मैं रूम के लिए निकल रहा हूँ, ये यहाँ से जस्ट ऊपर से रास्ता, और काफ़ी कुछ यहाँ पे बुक शॉप्स जितने मतलब स्टूडेंट्स के मतलब की चीज़ें हैं वो सारा कुछ है यहाँ पे। लाइक ठीक ठाक एरिया है बट कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं है, लाइक जैसे कि हम दिल्ली पे रहते हैं तो दिल्ली जैसा यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, ये बिल्कुल से मतलब कि दिल्ली में एकदम से पिछड़ा एरिया जैसे दिखता है, बिकॉज ओपन वायर्स आप देख सकते हैं ऊपर खुद ही एकदम खुली वायर, जगह जगह पे कचरा, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मतलब ऐसा है जो मतलब दिल्ली जैसा दिखता ही नहीं है कि हाँ ऐसा है। लाइक जैसे बाहर का देखते हैं दिल्ली में तो मेन रोड्स वगैरह हैं तो साफ दिखती हैं, बट यहाँ पे है ना तो ये बिल्कुल से गंदा एरिया दिखता है। तो कई सब चलते हैं रूम, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हिंदी की क्लास स्टार्ट करूँगा, तो इसको गाइस मैं पहुंच चुका हूँ रूम और रेस्ट भी कर चुका हूँ थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं 11:30 बज चुके हैं, तो अब हिंदी लिटरेचर की क्लास लेनी है तो वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं भोजन करने, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कैसे खाना मिलता है और क्या कैसे। तो चलिए मैं जल्दी से क्लास ख़त्म करता हूँ और फिर थोड़ा सा रिवीजन भी करना है, रिवीजन करके फिर खाना खाने चलते हैं। सभी बज चुके हैं 2:00 के 2 और मैं आ चुका हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लास कर रहा था तो भूख लगाई थी, तो इसकी वजह से अब भी मैं पहुँचने वाला हूँ जस्ट खाना खाने के लिए।
गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं शाम की क्लास जा रहा हूँ, शाम को 6:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, क्योंकि मैं 3 बजे वाली क्लास आज मिस कर चुका हूँ। उस टाइम पे मैं सो गया था, तो इस वजह से मैं 3 बजे की क्लास आज इंटरनेशनल रिलेशनशिप की मिस कर चुका हूँ, और अभी रात में उसको कवर भी करना पड़ेगा। तो मैं अभी टाइम हो रहा है 6:20, आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि हम लोग 5:30 बजे IR की क्लास से छूट के तुरंत ही एंट्री कर लेते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, तो आज सीट मिलने में भी प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं सीट मिलती है या नहीं मिलती है, कहाँ पे बैठना है। मुझे तो लगता है कि पीछे ही बैठना पड़ेगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेट हो गया थोड़ा सा भाई, बहुत गंदी नींद आई थी कसम भाई। दूसरा ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है ख़त्म, और अब हम लोग पैक करवाएंगे खाना, या तो फिर यहीं खाएंगे, क्योंकि निसार भी है मेरे साथ और आर्य को आज घर जाना था, तो आर्य अभी गया नहीं है, शायद कल जाएगा वो, तो इसकी वजह से शायद रूम पे ही खाना पैक करवा के ले जाना पड़े, या फिर यहीं पे खाएंगे, देखते हैं निसार क्या कहता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। इस खाना मैंने करवा लिया है पैक, क्योंकि निसार को भूख नहीं थी, तो उसने बोला कि मैं तेरे साथ ही एक या दो रोटी खा लूँगा, तो मैंने खाना पैक करवा लिया है और वो रूम के लिए निकल गया है। मैं भी बस रूम 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और आप गाइस यहाँ का शाम का क्लाउड देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस शाम का क्लाउड मुजफ्फरनगर के स्टूडेंट्स जो जाते हैं और नेहरू विहार भी रहते हैं, शाम के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आज पे तो थोड़ा सा मुझे कम ही दिख रही है बाकी दिनों की अपेक्षा, बट हाँ यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ठीक है गाइस, मैं पहुँचता हूँ रूम, खाऊँगा खाना, उसके बाद घर पे थोड़ा सा बात करनी होती है, फिर आई स्टार्ट करूँगा, तो मिलते हैं आपसे मैं बात। हेलो फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 12, और जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, मेरा जो 4 क्लासेस होती हैं उनमें से आज मेरी एक क्लास छूट गई थी IR की, तो मैंने ज्योग्राफी की क्लास के बाद जैसे ही छूटा, उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद तुरंत वो क्लास कवर करी, और अभी टाइम हो रहा है सोने का, क्योंकि रात के बज चुके हैं 12, तो अभी सोऊंगा मैं, क्योंकि सुबह फिर से CSET की क्लास के लिए मुझको जाना पड़ेगा, तो अभी मैं सो जाऊँगा, और इसके बाद सुबह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो मैं आपको एक बार मौसम दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है, आप देख सकते हो एकदम से पूरी खाली खाली गलियाँ सुनसान सी, और ये नेहरू विहार ए ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।